अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं एडेप्टेशन सिग्निफिकेंस और बॉडी साइज की बात करने वाले थे। सिनॉप्सिस की बात करें हम यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन, मेटाबॉलिक रेट एंड बॉडी साइज, लोकोमोशन, फिजियोलॉजिकल टाइम एंड फ्रिक्वेंसी, मेटाबॉलिक टाइम, इफेक्ट ऑफ हाई एटीट्यूड एंड डिफरेंस। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो सजीव जीव अनेक विभिन्न आकारों की चेंस में पाए जाते हैं। सबसे छोटे सजीव हैं वायरस विषाणु, जिसमें केवल अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इस जीव के अनेक कार्य पोषक कोशिका द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। माइक्रोप्लाज्म या PPLO कुछ विषाणु से बड़ा होता है। इस भार 0.1 माइक्रोग्राम जी से कम होता है। यह छोटी वस्तु होती है जो कि एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और जीवित भी रह सकती है। सबसे छोटे प्राणी जो होता है 2 से 10 माइक्रोन आकार के लगभग हो सकते हैं, और बड़े से बड़े जो होते हैं स्तन प्राणी हो सकते हैं तो दूसरा नंबर हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक रेट ऑफ एंड बॉडी साइज के बारे में। तो प्राणियों की चयापचय दर अनेक भोजन अंतर्ग्रहण वृद्धि उत्सर्जन एवं अनेक अन्य कार्य को निर्धारित करती है, जिसके कारण वह भी शरीर के अनुसार भिन्न होती है। कुछ वातावरणीय परिवर्तनशीलता का विभिन्न जनसंख्या या जातियों की मेटाबॉलिक दर पर प्रभाव की तुलना के लिए यह आवश्यक होता है कि विभिन्नताओं के अंशों का आंकड़ों में सम्मिलित करना, जो कि सामान्य रूप से समूहों के शरीर भार में अंतर की तुलना में निर्धारित कर सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है जो प्लैंकटॉन्स की 143 जातियों की नियमित O2 खपत में यह पाया गया कि 85 से 96% मेटाबॉलिक दर में अत्यधिक भिन्नता को सामान्यतः शरीर भार एवं तापमान में अंतर की हेल्प से व्याख्या कर या स्पष्ट कर सकते हैं। मैक्स क्लेवर ने 1932 में दर्शाया कि स्तनीय प्राणी की मेटाबॉलिक दर जो कि शरीर भार में 15 kg से 679 kg तक की भिन्न होती है। मेटाबॉलिक दर जो होता है 73.3 MB/s, सांख्यिकी दृष्टि से अंतःरोध 70 से भिन्न नहीं होता है और ढलान 0.75 से भिन्न नहीं होता है। यहाँ पर लोकोमोशन की हम बात करें, प्रश्न एक अत्यधिक सुस्पष्ट क्रियाशीलता होती है जिसमें प्राणी की मेटाबॉलिक आधार पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तैरने वाले, दौड़ने वाले एवं उड़ने वाले प्राणियों को स्थिर बैठने वाले प्राणियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमको दौड़ना या पैदल चलना तैरने एवं उड़ने वाले प्राणियों की अपेक्षा अधिक परिचित होता है और अधिक अभिरुचित का भी होता है। जब हम विभिन्न प्रकार की प्रचलन विधियों की तुलना करते हैं तब हमको यह अनुभव करना चाहिए कि जल में, थल में और वायु में गति करने में कितना अंतर होता है। अधिकांश तैरने वाले प्राणी उदासीन, तटस्थ, उत्प्लावकता के लगभग करीब हुए होते हैं और उनके शरीर भार को चारों ओर के जल के द्वारा सहायता मिलती है। लेकिन दौड़ने एवं उड़ने वाले प्राणी विभिन्न स्थिति में होते हैं, यह अपने शरीर भार को पूर्णतः सहायता कर सकते हैं। अनेक प्राणियों में O2 खपत की दर दौड़ने के वेग से संबंध होते हैं। थल पर दौड़ने वाले प्राणियों में O2 की खपत जो होती है दौड़ने के वेग में वृद्धि के साथ वृद्धि करती है, तथा वृद्धि का ढलान छोटे प्राणियों में अत्यधिक होता है या छोटे प्राणियों में प्रतिपायन रेखा बड़े प्राणियों की अपेक्षा ढलान होते हैं। विभिन्न प्राणी में दौड़ने के व्यय की तुलना गणना के द्वारा की जा सकती है कि वह कितनी अधिक ऊर्जा एवं इकाई शरीर भार एक दूरी इकाई के लिए व्यय करती है। यहाँ पर फ्लाइंग की बात करें हम तो उड़ने वाले प्राणियों में एक अतिरिक्त जटिल परिस्थिति होती है जो कि सभी प्रकार की आगे बढ़ने वाली गति को रोक देती है।
और ऊर्जा को नहीं बचाती है लेकिन उसकी आवश्यकता में वृद्धि करती है, जैसे कि प्राणी मंडराता है और अगले उड़ान की अपेक्षा मंडराना अधिक व्यय या दोगुना व्यय होता है। शरीर आकार का प्रचलनी वेग पर प्रभाव का भी आकलन किया गया है और आकार की वृद्धि के साथ तीव्र अधिकतम ध्रुव गति में भी वृद्धि होती है। फिजियोलॉजिकल टाइम की हम बात करें यहाँ पर, तो छोटे आकार के प्राणी बड़े आकार के प्राणियों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति क्रम से चलता है। यह अपनी टांगों को तीव्रता से गति देते हैं, यह शीघ्रता तेजी से सांस लेते हैं और इनका हृदय तीव्रता से स्पंदन करता है। प्रत्येक वस्तु की गति में वृद्धि होती है। यह प्रतीत होता है कि घड़ी या समय का अर्थ छोटे एवं बड़े आकार के प्राणियों के लिए समान नहीं होता है। एक छछूंदर का हृदय प्रत्येक मिनट में 1000 बार स्पंदन करता है और हाथी का हृदय केवल 30 बार स्पंदन करता है। हाथी के हृदय को 1000 बार स्पंदन करने के लिए आधे घंटे की आवश्यकता होती है, वह संख्या जो कि एक छछूंदर 1 मिनट में पूर्ण करती है। टाइम एंड फ्रिक्वेंसी की हम बात करें यहाँ पर, तो छोटे आकार के हृदय की आवृत्ति उच्च आवृत्ति का अर्थ होता है कि प्रत्येक हृदय स्पंदन की अवधि छोटी होती है। आवृत्ति एवं समय विलोम में क्रम में संबंधित होते हैं, अर्थात आवृत्ति एक समय व्युत्क्रम में होते हैं। आवृत्ति बराबर 1/समय आवृत्ति बराबर 1/समय। यह हमारा चैनल है दोस्तों, अंकित बायोलॉजी। अंकित बायोलॉजी चैनल है हमारा, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हृदय दर मिनट -1 बराबर 24/mv-0.225। प्रत्येक हृदय स्पंदन की अवधि इस समीकरण का व्युत्क्रम यानी कमी मान होता है। समय अवधि जो होती है वह मिनिमम 1/241 mv 0.25। यह सभी समीकरण दर्शाता है कि स्तनी प्राणियों में हृदय स्पंदन की अवधि शरीर भार के अनुपात में वृद्धि करती है, जो कि 0.25 शक्ति के द्वारा उत्थानित होती है। मेटाबॉलिक टाइम अधिक महत्वपूर्ण मापन है कि प्राणी कितना द्रुतगामी जीवन व्यतीत करते हैं। अतः चयापचय विशिष्ट मेटाबॉलिक दर या फिर मेटाबॉलिक दर प्रति इकाई शरीर भार पर विचार करना चाहिए, जो कि शरीर भार की वृद्धि के साथ कम होती जाती है। समीकरण अनुसार मेटाबॉलिक दर α mv-0.25। मेटाबॉलिक समय मेटाबॉलिक दर व्युत्क्रमानुपाती होता है। और शरीरी समय शरीर भार के अनुसार परिवर्तित होती जाती है। मेटाबॉलिक समय जो होता है समानुपाती mv 0.25। इस अभिव्यक्ति के घातांक उतना ही समान होता है जितना हृदय स्पंदन की अवधि के लिए होता है। यह संबंध अनेक चयापचय दर की विधियों के लिए भी समान होता है। इफेक्ट ऑफ हाई एटीट्यूड अधिक ऊंचाई का प्रभाव। वायुमंडल का प्रतिशत संगठन अधिक ऊंचाई पर अपरिवर्तित होता रहता है, लेकिन बैरोमेट्रिक दाब वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसके अधिक तीव्र शारीरिक प्रभाव होते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने वाले व्यक्ति अधिक ऊंचाई के लिए अभ्यस्त नहीं होते हैं और 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई पर शारीरिक कार्यों के में क्षति कमी महसूस करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात वह स्वयं को परिस्थिति के अनुसार के अनुकूल करते हैं और अच्छे प्रकार से कार्य करने लगते हैं। रक्त में O2 का परिवहन ऊंचाई के परिस्थिति अनुकूलन के द्वारा दोनों O2 क्षमता एवं रक्त के साथ O2 की संबद्धता से प्रभावित होता है। मनुष्यों में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में सामान्य संख्या 5.0 लाख प्रति घन मिलीमीटर से कम 80 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक लगभग 4000 मीटर तक की ऊंचाई में वृद्धि होती है। यह परिवर्तन दोनों स्थायी निवासियों और परिस्थिति
अनुकूलित निम्न भूमि निवासियों, जब वह अधिक ऊंचाई पर निवास करते हैं, देखा जा सकता है। अधिक ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्यों में रक्त की ओटू के साथ संबद्धता कम होती है। स्तनीय प्राणी की अपेक्षा पक्षी अधिक ऊंचाई पर स्पष्ट अधिक सहनशील होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। धन्यवाद।